चल रही थी, क्या दिशा निर्देश हमें मिले? प्रधानमंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों के कुछ ग्राम प्रधानों से बात किया था और सभी को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से दो गज की दूरी बना के रखना है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसका यही इलाज है कि हम लोग अपने घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य हो तो घर से निकलें, जब घर से निकलें तो दो लोगों के बीच में दो गज की दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राम प्रधान थे जिनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए थे उनकी प्रशंसा भी की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। काढ़ा जो हमारे प्राचीन समय से ही एक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको हमें अपने जीवन में वापस लाना पड़ेगा, काढ़े का सेवन करना पड़ेगा। और जब भी हम घर से निकलें तो फेस कवर लगाकर या फिर गमछा लगा कर के निकलें। इस तरह की कुछ चर्चाएं वहां पर विषय हुई है। देवास सुरक्षा को लेकर किन अहम बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें? देवास का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पूरी कोशिश है कि जिले में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश ना करे। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ जिले की सुरक्षा कर रही है। हमारा जिला ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जिला आज भी बहुत बेहतर स्थिति में है। जो संख्या बाकी शहरों में जिस गति से बढ़ रही है, इस तरह से हमारे यहाँ पर कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, पूरा मामला नियंत्रण में है। और 3 मई तक ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कई लोगों को समय पर स्वास्थ्य मतलब इलाज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम बंद है, अधिकांश शिकायत। इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, आदरणीय राजमाता साहब ने इस मामले को उठाया था। राजमाता साहब के मार्गदर्शन में कल प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की एक मीटिंग यहाँ पर ली गई थी। उन्हें निर्देशित किया है कि वो रोज 3 घंटे अपनी OPD को खुला रखेंगे, जिससे कि कोरोना से भिन्न जो भी मरीज आते हैं उनका समुचित इलाज हो सके। ये सवाल ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री ने पांडित बनाया, उसमें मध्य प्रदेश की कितनी है? मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत का यहाँ पर नंबर नहीं आ सका क्योंकि प्रधानमंत्री जी की समय की अपनी मर्यादा होती है। उन्होंने अलग अलग स्टेट में बात किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत का नंबर आता उसके पहले ही समय समाप्त हो गया था। लॉकडाउन को खुलने को लेकर देवास की क्या स्थिति है? यदि सब कुछ सामान्य रहा तो 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा और यदि जिस तरह से सब कुछ नियंत्रण में है उसी तरह का बना रहता है तो निश्चित रूप से देवास में अधिकांश स्थान से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। एक अपील देवास की, मैं देवास के सभी आशीर्वाददाताओं से निवेदन करता हूँ कि अपने घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकले। यदि घर से बाहर निकले तो मुंह पर फेस कवर या इसी प्रकार का कोई गमछा लपेट कर निकले। काढ़े का प्रतिदिन सेवन करते रहें। अपने मोबाइल में एक ऐप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अति आवश्यक कार्य के लिए जब बाहर निकले तो काम होने के बाद तत्काल आप अपने घरों में वापस चले जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच 2 गज की दूरी हमेशा बनी रहे, यही मैं सभी से निवेदन करता हूं। कोरोना का कोई सटीक इलाज नहीं है, ये जो परहेज है यही कोरोना का इलाज है और कोरोना को यदि हराना है तो हमें इस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें हम लोग आए थे, उनके निर्देश आगे के ग्राम हर गांव में क्या कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसी योजनाओं का फायदा पहुंच पा रहा है, कोरोना के चलते लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्होंने सबसे ली और बहुत सारी बातों को शेयर किया। लॉकडाउन खोलने के लिए जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, परिस्थिति देखते हुए माननीय मोदी जी डिसीजन लेंगे।
ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसी उसके बारे में कोई बातचीत तो नहीं की उन्होंने, पर जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा हम तय करते जाएंगे। उन्होंने तीन पंचायत प्रदेश की पंचायतों को इनाम देने की तीन की बात करी, पूरा क्या है? हमें लेट पहुंची, मैंने नहीं सुना वो, मैं नहीं सुन पाई। वो सम्मानित करा कुछ पंचायत, तीन पंचायतों का मैं सुन नहीं पाई थी। पंचायत राज दिवस देवास के लिए कुछ अपील दे, देवास की जनता से अपील है लॉकडाउन का पालन करें। जैसा मैं हर फेसबुक लाइव पे भी बोलती हूँ, हर बार जो भी बोलती हूँ यही बोलती हूँ, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, यही एक तरीका है कोरोना से जीतने का। धन्यवाद।